अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सितार गुल और आप देख रहे हैं गुलफेस्टेक। तो व्यूअर्स, आज हमारी एक इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। आज हम करेंगे इकोस्टार के स्प्लिट एसी को अनबॉक्स और इसकी इंस्टॉलेशन करेंगे। तो वीडियो का कंप्लीट लाजमी देखना, इस तरह से आपको कुछ समझ नहीं आएगा। इसमें बहुत से पॉइंट्स हैं, तो कारीगर से मैंने रिक्वेस्ट किए, यार मैंने कहा अब हम वीडियो भी बना लेते हैं और जो चीज़ समझ नहीं आती ऑडियंस को वो भी बता देते हैं। तो ये इकोस्टार का न्यू मॉडल है वाईफाई वाला, इसको हम आज अनबॉक्स करेंगे और उसके बाद इसकी पूरी इंस्टॉलेशन करेंगे। और वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, एक एक पॉइंट इसमें मिस नहीं करना, क्योंकि एक पॉइंट आपके लिए कीमती हो सकता है, ठीक है। तो वीडियो को यहाँ से करते हैं स्टार्ट। तो ये हमारा कारीगर है जिससे हमारी बातचीत हुई फ़ोन पर, तो वो आ गए यहाँ पर मेरे घर पर मेरी बैठक में एसी लगाने, इसकी इंस्टॉलेशन करने। यहाँ पर मिस्त्री एक एक चीज़ को मेंशन कर रहे हैं और आपको दिखा भी रहे हैं तो कि इसमें क्या चीज़ होती है। तो इसमें हमें किट मिल जाती है, इसमें रिमोट मिल जाता है, रिमोट के सेल मिल जाते हैं, सारा कुछ इसमें आ जाता है। तो इसमें एक वाटर पैम भी मिल जाता है और दो कापर की बड़ी तार भी मिल जाती हैं, वायर जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर वो स्प्लिट एसी को कर रहे हैं अनबॉक्स और आपको इसको लुक भी दिखाएंगे। इसके बाद लुक दिखाने के बाद इसकी करते हैं फिर इंस्टॉलेशन। Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटली कॉपर के पैम दिए हुए हैं कंपनी की तरफ से जाली के नीचे। तो सब पूरा का पूरा एसी कॉपर में आता है, इसकी जो पैम भी इसके साथ मिलते हैं हमें वो भी कॉपर के मिलते हैं। और ये है इसका आउटर जिसको हम भी अनबॉक्स करेंगे और उसका भी आपको लुक दिखाएंगे। तो इसके अंदर R32 का कुलिया लगा हुआ है जिसे हम एक फार्मूला कहते हैं, जो न्यू टेक्नोलॉजी का फार्मूला है। तो इसका जो मिस्त्री हमारा है, जो कारीगर है, वो कह रहा था कि यार ये बहुत ही अच्छा फार्मूला है, इससे जो है ना आपकी एनर्जी सेविंग बहुत होगी, क्योंकि न्यू फार्मूला है कंपनी की तरफ से, तो ये बहुत ही कम एम्पेयर लेगा और बहुत ही अच्छा एसी है। तो इस एसी की मैंने पहले भी बहुत सी तारीफ़ें सुनी हुई थी। तो इसके कॉपर के पैंप आ जाते हैं इसके अंदर, तो एसी बहुत ही अच्छा है। और अभी ये है इसके अंदर की फिटिंग, जो हम इसकी वायरिंग करेंगे और उसके बाद ये वायरिंग अहम होती है, क्योंकि अक्सर कारीगर को पता नहीं होता कि यार इसके अंदर हमने कौन सा पॉइंट लगाना है। तो ये पॉइंट आपने मिस नहीं करना, ख़ासतौर पर जो भी ये कारीगर देख रहा है या जो भी मिस्त्री देख रहा है, ठीक है, इसको पॉइंट मिस को नहीं करना, ठीक है। इस तरह से ये क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी है, इसमें ज़्यादातर वायरिंग का मसला बनता है, तो ये वायरिंग देख लें आप, जहाँ से मतलब कि ऊपर से जिस तरह के आप तार लगाते हैं जिस कलर की, तो आउटर में भी वही कलर सेम लगाना है, ताकि हमारा जो कनेक्शन है वो सही तरीके से हो जाए, इसमें कोई भी रुकावट पेश ना आए। Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world small way back before we blew it all. जहाँ हमने एसी लगाना है वहाँ पर हमने बिल्कुल बराबर बराबर एसी की पतरी लगा दी है, ताकि वहाँ पर एसी बिल्कुल सही तरीके से फिट हो जाए। Small way back before we blew it all. Take me back.
back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't. तो यार आप लोग समझ रहे होंगे ये किस चीज़ की वायर है, एसी की तो वायर नहीं लग रही यार, ये डिश की वायर है। तो मैंने कहा यार ये एसी के नीचे से आ जाए ताकि जो लोकेशन है कमरे की रूम की वो ख़राब ना हो जाए। तो ये हमारे डिश की जो है ना वायर आ रही है ताकि कोई भी मसला पेश ना आए। तो जो भी एसी की जितनी भी वायर है, जो भी मतलब कंडीशन है एसी की, पाइप वगैरह, वो डायरेक्ट बाहर निकल गया है। People putting up walls, I feel like life is on hold. Perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time to... और आप सब ने लाजमी बताना है कि आपको एसी का लुक कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाजमी कमेंट करना है, और इस एसी जिसने भी लगवाई है ये एसी, तो इसकी जो भी खासियत है वो कमेंट में शेयर कर सकते हैं ताकि किसी और का फायदा हो जाए। I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. तो एसी के दो पाइप होते हैं, एक बड़ा पाइप होता है, एक छोटा पाइप होता है। तो बड़े से बड़े को जोड़ना चाहिए और छोटे को छोटे। तो यहाँ पर कारीगर जो है ना पाइप को अच्छे तरीके से फिटिंग कर रहा है। तो यहाँ पर एक ख़ास ख्याल रखना है कि पाइप जो है ना ज़्यादा फिट भी नहीं करना, ज़्यादा जिसे हम टाइट कहते हैं, और ज़्यादा ढीला भी नहीं रखना, इसको दरमियाना रखना होता है। ज़्यादा अगर हम टाइट करेंगे तो ये मिस हो जाएगा, अगर हम ज़्यादा ढीला रखेंगे तो इसमें जो गैस की हवा होती है वो खारिज होती है। तो उससे बेहतर चेक करने का तरीका भी ये है कि हम एक सर्फ बना के और उसको चेक करें, लाजमी कहीं हमारी लीकिंग ना हो, क्योंकि मेन एसी का जो पॉइंट होता है वो लीकिंग वाला होता है। अक्सर जो कारीगर होते हैं वो लीकिंग चेक नहीं करते, और पता चलता है कि वो एक महीने बाद उसका सारा गैस ही ख़त्म हो गया है। तो लीकिंग लाजमी चेक करवाने, जिस कारीगर से भी आप फिटिंग करवाएं उसको, उससे बोलें कि इसकी जो है ना लीकिंग आपने लाजमी चेक करनी है, कि कहीं पर भी थोड़ा सा भी लीक ना हो। यहाँ पर देखें, मैंने इनसे 15 से 20 मिनट लीकिंग चेक करवाई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिमोट के साथ दो सेल भी उन्होंने साथ दिए, तो ये भी हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो आप देख सकते हैं दो रिमोट में सेल डाल के इसको हम फिर चेक करते हैं, इसको ऑन भी करते हैं ताकि हमारा जो है ना एसी वर्क सही से वर्क कर रहा है या नहीं। तो ये मैंने बाहर इसका बोर्ड लगवाया, इसका जो मेन स्विच वाला बोर्ड है, क्योंकि अंदर मैंने खच नहीं लगाई, क्योंकि कमरे में मैंने पैनल शीटें लगाई हुई हैं ताकि कोई जो है ना अंदर और किसी भी किस्म की तार का या किसी और मसला ना बने। तो इसको भी हम करते हैं ऑन, और इसकी हम थ्रो भी चेक करते हैं, और इसकी हम कूलिंग भी देखते हैं। तो वैसे तो बहुत ही अच्छी कूलिंग है, मैंने इसका जो है ना तजर्बा किया हुआ है, मतलब कि एसी लगे हुए हैं अपने दोस्तों के पास, तो बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट है। वैसे फिर भी हमने लगवाया, इसको चेक करना तो हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो यहाँ से मैं करता हूँ रिमोट से ऑन इसको। तो यार मैक्सिमम अक्सर एसी ना 30 से ऊपर नहीं जाते, तो ये 32 तक जाता है इसका टेम्परेचर मिनिमम। मैक्सिमम तो आपको पता है ज़्यादा से ज़्यादा ये 16 तक जाता है, और मिनिमम इसका 32 जाता है, ठीक है, वरना हर एसी का जो है ना 30 होता है या 29 होता है। तो ये इसका अंदर से ऑन हो चुका है। इस एसी की एक ख़ास बात ये है कि ये इसके अंदर 4D एयर फ्लोइंग है, जो बहुत ही कम एसी में आती है। तो क्योंकि इसके चारों तरफ थ्रो जाएगी और ये बहुत कम एसी में आता है, तो ये इसके एक तो मिड रेंज में बहुत ही अच्छा एसी है, और इसके अंदर जो अंदर वाले पंखे वो भी मूव करते हैं, ऊपर वाला स्प्लिट जो इसका स्प्लिट है वो भी मूव करते हैं, ठीक है, चारों तरफ ये थ्रो दे सकता है। तो इसकी मुझे बहुत ही अच्छा फीचर लगा है, ये आपके सामने अंदर भी मूव हो रहा है, और ये बाहर की तरफ जो इसकी फ्रेम लगा हुआ है ये भी मूव होता है, मतलब दोनों का अलग अलग बटन है। वरना एक ही चीज़ होती है, अंदर से हम खुद एक हाथ से वो करते हैं। ये भी एक नया एसी में जो आप गरी का यूज़ करते हैं या कैनवुड, जो बड़े बड़े एसी हैं ये, उनमें फीचर आता है। तो कम रेट में हमें एक अच्छा फीचर मिल जाता है इस एसी में। Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all.
और आप इसकी थ्रो चेक करें, माशाल्लाह से कितनी प्यारी थ्रो आ रही है और बहुत ही अच्छी थ्रो दे रहा है ये। बहुत ही मैं दूर खड़ा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर सो का भी दिखाता हूँ कि सोते हुए भी हमें थ्रो लगती है कि नहीं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं मैं मतलब एसी के बिल्कुल सामने दूर सोया हूँ, एंड में कमरे के एंड में सोया हूँ, ठीक है। यहाँ तक जो मेरा कमीज़ आपके सामने हिल रहा है, यहाँ तक थ्रो इसकी ज़बरदस्त आ रही है। और मज़ीद आप इसके अंदर अगर टर्बो का ऑन करते हैं तो इससे भी डबल थ्रो हो जाएगी। और ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ ये मेरी वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद ही होगी। तो इस तरह वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और इस कारीगर के लिए एक लाइक तो बनता है कि इसने इतनी मेहनत की है, 4 घंटे में इसने एसी फिट की है, तो सब्सक्राइब लाजमी करना है। अल्लाह हाफिज़।